नमस्कार। स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो खुश रहेगा भारत। यह क्लिप सिर्फ नाभि वाले व्यक्तियों के लिए है जिनको नाभि की भयंकर बीमारी है या भयंकर तड़प तड़प के जो नाभि के कारण मरते हैं। भैया आप इतने परेशान मत हो, आपकी नाभि के कारण आप ज़्यादा नहीं खराब होगे। ऐसे तीन आसन सुन लीजिए ध्यान से, ये तीन प्रकार की स्ट्रेचिंग, तीन प्रकार के नाभि के व्यायाम हर नाभि वाले मरीज को, जिसको सिर्फ नाभि की प्रॉब्लम है, जिसकी नाभि हट जाती है बार बार या हटती रहती है या हटी रहती है, डेली सुबह करने हैं खाली पेट। ठीक है, कैसे करने हैं ध्यान से सुन लीजिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं सुनूंगा क्योंकि आप समझोगे तो हो नहीं, मानोगे तो हो नहीं, क्योंकि आपकी नाभि तो परमानेंट गिरी रहेगी और आपके दिमाग में नाभि घर कर चुकी है तो क्या करें फिर। अब आप ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आसन बता रहा हूँ या ये जो स्ट्रेचिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये उन नाभि वालों के पास पहुँचा देना और कमेंट्स करके हमें पूछ लेना आपकी कोई समस्या हल हुई नहीं हुई, आप किसी से परेशान तो नहीं है कि आप आसन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, क्या है कैसे है। ठीक है, तो सुन लो, पहला ये कैसे करना है कि सुबह पानी पी के थोड़ा स्ट्रेचिंग करके बॉडी के इधर उधर घूम के फ्रेश हो जाना। फ्रेश होने के बाद में अपनी छत पर चले जाना, अपने डबल बेड पे या घर में नीचे जमीन पे। ठीक है, तो कैसे करोगे उसमें, सर्वप्रथम पहला आसन है उसमें कुछ नहीं करना, आपने डेली सुबह ये करना ही करना है, जिस व्यक्ति को भी नाभि की प्रॉब्लम है उसको करना ही करना है। ठीक है, पहला हम कैसे करेंगे आप अभी देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है कि एक तकिया ले लेना है। देखिए ये तकिया ले लेना ऐसा, इसको ऐसे रख लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऐसे बैठ जाना है वज्रासन पे, इस तरीके से। देखिए ये दोनों, ये पैर दोनों पंज मिले होने चाहिए, एड़ी बार होनी चाहिए, दोनों हिप के ऊपर मैं अपने एड़ी रख के ऐसे बैठ गया बिल्कुल सीधा इस तरीके से। ठीक है, ये नाभि वाले व्यक्ति के लिए है जिसको नाभि की प्रॉब्लम है, और ध्यान रखना कर लेना। धीरे से जाएंगे हम पीछे। ठीक है, पीछे गए, पीछे जाने के बाद में दोनों कोहनी मोड़ेंगे हम ऐसे ऐसे आराम से। ठीक है, और आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, आपके पैरों में दर्द है तो थोड़ा थोड़ा सा चौड़ा लेना टांगे, आराम से ऐसे झुकेंगे। ऐसे झुकने के बाद में धीरे से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाने के बाद में धीरे से नॉर्मल ऐसे लेट जाएंगे, जितना कोशिश होगा इसको नीचे कर लेंगे, ये ऐसे। ठीक है, धीरे से। अब उठने का तरीका कैसे है, एक साइड में करवट लेंगे ऐसे, न कि डायरेक्ट उठेंगे। अब ये जो क्रिया मैंने आपको सिखाई है, ये वाली क्रिया, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट, जितना आप ऐसे लेट सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं लेट पा रहे, आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आप कर नहीं पाओगे क्योंकि दर्द रहेगा, खिसाब रहेगा, तो वहां पर दो तकिया यूज कर लेना, इस प्रकार से दो तकिया यूज कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से दो तकिया, देखिए ऐसे दो तकिया यूज कर लेना। ठीक है, मैं सीधा उठ गया हूं, सीधा नहीं उठना। ओके, ये पहला आसन या पहली स्ट्रेचिंग है आपके पेट के लिए, नाभि वाले व्यक्ति के लिए। कहीं भी कोई टॉपिक गलत लग रहा है आपको, कहीं आपको कुछ नहीं लग रहा तो उसको छोड़ देना, अच्छी चीज जहां लग रही है उसको ले लेना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इससे कुछ परेशानी होने वाली नहीं है। आपके पेट की नाभि अपनी जगह आने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। पहला हो गया, अब आप दूसरा सुन लीजिए। ठीक है, अब आप दूसरा कैसे करोगे, दूसरा ये मर्कटासन है, सीधे लेटेंगे, हाथ ऐसे करेंगे। ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधा कर लेंगे अपने कंधे की सीध में, दोनों पैर अपने मोड़ लेंगे इस तरीके से। ठीक है, पहला मुंह, अगर आपके जो घुटने और आपके पांव राइट में जाएंगे तो मुंह आपका लेफ्ट में रहना चाहिए, और जितना ज्यादा खिंचाव दे सकते हो बॉडी पर वो देना। ये देखिए, ये दोनों जो घुटने हैं वो मिले रहने चाहिए, नीचे वाला राइट वाला घुटना जमीन से टच होना चाहिए, ये कंधा जमीन से टच होना चाहिए, हाथ दोनों सीधे रहने चाहिए, मुंह को ऐसे मोड़ देंगे जितना ज्यादा कर सकते हो, और इस पर रुकना है आपको, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, जितना रुक सकते हो रुक जाओ आराम से। ठीक है, सांस बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप देखेंगे कि पेट में आपके में पूरे में खिंचाव पड़ेगा, डेली खिंचाव पड़ेगा, मतलब अच्छा खासा। एक दिन ऐसा आएगा कि पेट का खिंचाव खत्म हो जाएगा, नाभि अपनी जगह आ जाएगी और आप तंदुरुस्त बन जाएंगे, स्वस्थ बन जाएंगे, बेहतरीन बन जाएंगे,
और पॉजिटिविटी के साथ, नो नेगेटिविटी, क्योंकि आपको जबरदस्त व्यक्ति बनना है। ठीक है, अब आप आ जाइए, आपका जो ये पैर है ये लेफ्ट में, ठीक है, इस तरीके से देखिए, और मुंह राइट में, जितनी देर रुकना है रुक सकते हैं, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रुकें, स्ट्रेचिंग ज्यादा करें, ज्यादा इस मुंह को मोड़े, कंधे को कोशिश करें लगा के रखें, फिर आराम से सीधे हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे, ठीक है, सांस नॉर्मल छोड़ देंगे, माना कि एक मिनट हो गया, फिर अगेन उसी क्रिया को इधर, ठीक है, इधर, फिर एक मिनट रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे एकदम। फिर उसके बाद में सेम राइट साइड और, ठीक है, लेफ्ट साइड, करना ही करना भाई, ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं जाना, डेली सुबह जिन व्यक्तियों को नाभि की प्रॉब्लम है उनको करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद में तीसरा, अब तीसरे में आप क्या करोगे, ध्यान से सुन लो, नाभि 99% व्यक्ति की ऊपर ही जाती है। अब आप ध्यान से सुनना, क्या करोगे, ये जो हमारा हाथ है, ये जो हमारे निप्पल होते हैं उसके जस्ट नीचे यहां लगना चाहिए, इसको हम भुजंगासन बोलते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत दमदार चीज है, इसमें आपने स्ट्रेचिंग करनी है पेट की। आप देखना कि मैं कैसे करता हूं, मैं ऐसे ऐसे हो गया, मैंने कोशिश करनी है कि अपनी नाभि जमीन से लगा के लगानी है एकदम, ये देखिए, आप धीरे से आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, जितना आगे जा सकते आगे जाएंगे, आपको लगेगा कि आपके पेट में बहुत, जब तक आपके पेट में खिंचाव नहीं पड़े, आप समझोगे आपने चीजें अच्छी या आसन अच्छा नहीं किया। जब तक आपको लगे कि आपके पेट में खिंचाव नहीं पड़ रहा, मतलब सोच लीजिए कि इसका मतलब हुआ कि आपने आसन, आपने अपने शरीर की स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं करी है, आपके इस वाले पूरे एरिया पे खिंचाव पड़ेगा और आपको लगेगा कि अरे यार बहुत तगड़ा, जिसको पेट की प्रॉब्लम है, नाभि गिरी हुई है, ये पेट फूलता है स्टोमक वाला, नाभि से ऊपर वाला, समझ रहे ना, जिसको लगता है कि इसका पेट ये फूला है उसमें बहुत अच्छा खिंचाव पड़ेगा। ये तीनों आसन डेली सुबह हर नाभि वाले व्यक्ति को महीना दो महीना कंटिन्यू करने, खाली पेट, खतरनाक खाना मत खाना सुबह, हर हाल में फ्रेश होके करने, नहीं फ्रेश हो रहे आपको लगता है कब्जी है तो भी पानी पी के घूम के लैट्रिन में जाओ, आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है, नहीं आ रही तो भी आप आके करने लग जाओ, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, उसको हाथ रखेंगे अपने निप्पल से नीचे जो छाती है, ठीक है, अब आप यहां से उठेंगे इस तरीके से, यूं उठने के बाद में आपको लगना चाहिए कि पेट पे खिंचाव पड़ रहा है, अब आप देख रहे हैं नहीं पड़ रहा है, तो आगे की तरफ जाइए, जाइए, अपनी गर्दन को पीछे करो, आगे की तरफ जाओ, बहुत बढ़िया, तीन टाइम करना है, कितनी बार, तीन टाइम, जितना आप कर सकते हैं करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं, ये आप ही के लिए है, हर नाभि वाले व्यक्ति को ये तीनों आसन सुबह खाली पेट करने हैं, नाभि का जो दिमाग में कीड़ा है वो कीड़ा मार देना है। और जो ये व्यक्ति सोचते हैं कि मेरी चलती हुई नाभि गिर जाती है, बैठती हुई नाभि गिर जाती है, गाड़ी चलाते हुए नाभि गिर जाती है, भैया ऐसा कुछ नहीं है, नाभि को आप बहुत बड़ी चीज मत समझिए, आप समझिए कि आपकी नाभि को जिन मसल्स ने ऐसे पकड़ के रखा है वो मसल्स वीक हो जाती हैं। आप ध्यान से लीजिए, किसी दरवाजे में बोल्ट लगा हुआ है, अभी वो बोल्ट लूज हो जाएगा, अभी जब बोल्ट लूज हो जाएगा दरवाजे को बंद चालू करेगा तो खचे खचे आवाज तो आएगी ना, खचर आवाज तो आएगी ना, दरवाजा तो लूज होएगा ना, तो दरवाजा तो भिड़ेगा, खराब होगा। तो जिन मसल्स ने नाभि को पकड़ के रखा इस तरीके से, वो मसल्स वीक हो जाती हैं, नाभि कभी इधर गिर गई, कभी इधर गिर गई, कभी इधर गिर गई, कभी इधर गिर गई, तो नाभि हट जाती है, नाभि की कमी नहीं है। मसल्स को दमदार बनाना है, मज़ेदार बनाना है, बेहतरीन बनाना है, इसके लिए आपको बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। जब आप बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपके पेट के कारण आपकी जो सांस फूलती है वो सांस फूलना भी बंद हो जाएगी और आप तंदुरुस्त बन जाएंगे। फिर आप जगह जगह भागते हो, गलियों में भागते हो, चौराहों पर भागते हो, दुनिया में भागते हो, वो आपका बंद हो जाएगा। और उसके लिए आपको अपने माइंड में से नाभि को हटाना पड़ेगा, ठीक है, नाभि को हटाना पड़ेगा। और ये तीनों आसन हर नाभि वाले व्यक्ति को करने पड़ेंगे और करने ही पड़ेंगे। और इसके अलावा कमेंट्स कर देना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है।
और जिन नाभि वाले लोगों को प्रॉब्लम है, जो नाभि के मरीज हैं, ऐसे ग्रुपों में इस वीडियो को पहुंचा देना, जिससे उनको लाभ मिल जाए। सुनो, एक और चीज़ सुन लो ध्यान से, साइड इफेक्ट नहीं है भाई इसका, कोई भी कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं इसका, कोई को प्रभाव नहीं है। जो उसमें से अच्छा लगे फटाफट से ले लेना, जो खराब लगे उसको छोड़ देना, ठीक है। नमस्कार, जय श्री राम।